हरे कृष्णा पुणे। सो हमारा जाने का समय आ गया है और कल रात बहुत देर हो गई थी। कल रात को इतना मजा आ रहा था कि जितने भी लोग थे वहां पर वो आफ्टर पार्टी करना चाहते थे, मतलब पूरा शो खत्म हो गया था उसके बाद भी कीर्तन करना चाहते थे, हम भी करना चाहते थे और उन्होंने वेट भी करी हमारी, लेकिन इतने सारे लोग भी थे जिनसे हम मिल रहे थे जिसकी वजह से वो कीर्तन नहीं हो पाया। तो आई एम सो सॉरी, आप लोग सभी निराश वापस गए और मैं आपको निराश भेजना नहीं चाहता था, लेकिन आफ्टर द शो बहुत सारे लोग होते हैं जिनसे मिलना ज़रूरी होता है क्योंकि वो सब हमसे मिलना चाहते हैं और अपने एक्सपीरियंस भी शेयर करना चाहते हैं, तो उस चक्कर में देर हो गई। सो प्लीज़ माफ़ी चाहता हूँ उसके, लेकिन कीर्तन नहीं कर पाए। फिर कभी आएंगे तो ज़रूर आफ्टर पार्टी कीर्तन करेंगे। हरे कृष्णा। सानवी आज 3 महीने की हो गई है, उसका आज 3rd month बर्थडे है। ऐसे भी कमाल के पापा लोग होते हैं जो बच्चे का हर जन्मदिन मनाते हैं, हर मंथ का जन्मदिन मनाते हैं, तो उनमें से एक ये पापा हैं एडवोकेट मैंग गोयल, जो कि बहुत ही कमाल के इंसान है। पहले भी आपने ये नाम सुना होगा क्योंकि बहुत ज्यादा ये सेवा में अग्रसर रहते हैं कि दूध की सेवा कराऊंगा, ब्रेड पकौड़े की सेवा कराऊंगा, ये वो फलाना ढिमकाना, ये हमेशा लगे रहते हैं। आज इन्होंने समोसे की सेवा दी है सानवी के जन्मदिन पे, तो मैं चाहूंगा कि आप सभी छोटी सी प्यारी सी बच्ची जो सानवी जो 3 महीने की बेबी है उसके लिए ढेरों ब्लेसिंग्स दीजिए और ऑफकोर्स उनको साधु संतों की और ब्रज की तो ब्लेसिंग्स मिलेंगी ही। तो सानवी हैप्पी बर्थडे। हरे कृष्णा। श्री वृंदावन धाम की जय। आज जो प्रसादम स्पॉन्सर्ड हुआ है शैली जी और अंकित जी, जिनके भी थोड़े दिनों में शादी होने वाली है, तो हम ये दोनों कपल के लिए भगवान श्री कृष्ण राधा रानी से प्रार्थना करते हैं। और साथ ही में चिराग लखानी जी जो कि मुंबई से हैं, उन्होंने समोसा स्पॉन्सर्ड किया है, और रितेश हीरानंदानी जो कि जयपुर से। तो ये हम बहुत ही अच्छे एयरपोर्ट पे पुणे में आए हैं। यहाँ पर गो फर्स्ट जो एयरलाइंस है ये एक लालच भरी एयरलाइंस बनती जा रही है। लालच जब इंसान का बढ़ता है तो ऐसी हरकतें करते हैं वो। सो यहाँ पर लगेज में इंस्ट्रूमेंट जाता है तो हर एक इंस्ट्रूमेंट का 1200 रुपये चार्ज करते हैं। अभी तक और कोई एयरलाइंस जैसे चार्ज नहीं कर रही है। ये गो फर्स्ट ऐसी पहली एयरलाइंस है जो लालच का कदम उठा चुकी है और 1200 रुपये पर इंस्ट्रूमेंट। हालांकि इट्स जस्ट लाइक एनी अदर लगेज, इट डजंट टेक एनी एक्स्ट्रा एफर्ट टू पुट दैट काइंड ऑफ लगेज इनसाइड द प्लेन, बट व्हाट अ वंडरफुल एयरलाइन इट इज दैट दे आर चार्जिंग 1200 रुपीज। कैन यू सी दैट? दिस इज हाउ द ग्रीड इंक्रीजेज एंड वन वॉन्ट्स टू मेक मनी फ्रॉम ऑल द डिफरेंट रिसोर्सेज, दैट्स द वे हाउ यू कैन डू इट। 1200 रुपीज। तो गो फर्स्ट में मत जाना, जो भी गो फर्स्ट में जाएगा उसको 1200 रुपये एक लगेज के इंस्ट्रूमेंट के देने पड़ेंगे। सो डोंट गो फॉर गो फर्स्ट, इट्स रिडिकुलस। तो हम अभी लैंड कर रहे हैं दिल्ली में। हमने कोशिश कर दी कि हम वीडियो को आज रिलीज कर पाए, लेकिन भगवान चाहते हैं कि वीडियो जो है ना हरिचरण के बर्थडे पे रिलीज हो, तो हम उसको कल ही रिलीज करेंगे शाम को 6 बजे, क्योंकि वो वीडियो बन तो गया लेकिन जो वो गाना ब्रज ने मुझे भेजा वीडियो, तो मुझे ध्यान में आया कि उसके अंदर जो गाना डाला उसने फाइनल सॉन्ग नहीं डाला, तो उसको दोबारा से एडिट करना पड़ा। तो इवेंचुअली आ जा जस्ट लैंड। तो हम पहुंच गए दिल्ली और देखो दिल्ली में हमारी मुलाकात हो रही है फिर से किसे, हफी भाई से, राधे राधे। उन्होंने मेरा बहुत काम आसान कर दिया। विशाल प्रभु ने एक फोन भेजा था मेरे को वहां से दुबई से, तो वो मेरे पास फाइनली पहुंच गया है। थैंक यू सो मच प्रभु, अमन प्रभु और हैप्पी लूथरा जी, जिन सबकी वजह से ये मेरे पास फाइनली से पहुंच गया। हरे कृष्ण। तो हम रास्ते में है वृंदावन जा रहे हैं, श्री वृंदावन धाम जल्दी से पहुंच जाएंगे। नंदरानी नंदरानी खड़े होकर ट्रैवल करती है, उसको खड़े से सिर में दर्द कम होता है, बॉडी एक कम होता है, तो इसने नया तरीका अपनाया। तो और वी आर वेरी एक्साइटेड, कल हरिचरण का जन्मदिन है
और कल ही जो रिलीज होने वाला है शाम को 6 बजे, तो डबल डबल धमाल होने वाली है। कल हम तुझ कुछ प्लान कर रहे हैं हमारी टीम पूरी माधवास फाउंडेशन के साथ गेट टुगेदर करने का, और एक ही दिन है हमारे पास छुट्टी, उसके बाद परसों से फिर हमारा ट्रैवल शुरू है, और इस बार भयंकर ट्रैवल है, लगातार ट्रैवल करेंगे हम। तो लेट्स होप कि हम कल थोड़ा सा टाइम निकाल के बच्चों से टाइम करें। हीरोइन बन के खड़ी रहती है, हीरोइन बन के खड़ी रहती है। तो आप हरिचरण के लिए क्या गिफ्ट लेने वाले हो? मैं नहीं बताऊंगी। अच्छा, ये नहीं बताएगी गिफ्ट क्या लेने वाली। हरे कृष्णा, ऐसा अक्सर बहुत सारी डिवोटीज के साथ होता है, आप सभी के साथ भी होता होगा, कि हम कुछ भी प्रे करते हैं तो उसका रिजल्ट जो है वो कभी बहुत टाइम बाद आता है, लेकिन कभी कभी तुरंत आ जाता है। भगवान कुछ ना कुछ करके हर परिस्थिति में ऐसा कुछ करते हैं कि वो जता देते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो मैं सोच रही थी कि भगवान को हमें बताने की क्या जरूरत है, ही इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है, लोगों को वो ये जता क्यों रहे हैं कि आई एम विद यू। एक्चुअली कृष्णा इज वेटिंग फॉर ऑल ऑफ अस टू टर्न बैक टू हिम, ही लव्स अस सो मच। वो बोल रहे हैं कहाँ चले गए हो तुम सब लोग, प्लीज कम बैक टू मी, आई एम वेटिंग फॉर यू ऑल, ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। श्री श्री वृंदावन धाम की जय। तो हम पहुंच गए हैं वृंदावन, जय, गुड टू बी बैक, हरे कृष्णा। तो सबसे पहले हम धाम में आके धाम प्रसाद पाते हैं और टूट के पाते हैं, एकदम टूट के। मैं तो खाने के बाद वीडियो बना रहा हूँ, मेरे पे इतनी हिम्मत थी, मेरे में इतनी हिम्मत थी कि मैं आपको खाते हुए वीडियो बना के दिखाऊं, मैं खाने में इतना ज्यादा व्यस्त था। ये कितनी रोटियां खा ली तूने? 7। पंकु ने 7 रोटियां खा ली, वैसे 3 खाता है। फाइनली हमें घर का खाना मिल गया। और राजमा चावल, और ये भी वो वाले जो ब्रजवासी बन के जाते हैं, वो राजमा अगर आप खा लोगे ना, आज राजमा चावल बने हैं। ओह क्या राजमा चावल बनाते हैं हमारी टीम के माधवास फाउंडेशन। राधे गोविंदा, राधे गोविंदा, राधे गोविंदा, राधे गोविंदा, ओ राधे गोविंदा, 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 राधे गोविंदा। पगला गया है क्योंकि इसके लिए मैंने गिफ्ट लिया, इसका कल जन्मदिन है और ये ढूंढ नहीं पा रहा है वो गिफ्ट कहाँ पर है। और मैं इसको बोल रहा हूँ भाई कल आपका जन्मदिन है, तो एक दिन तो बच्चा, तो आपको देखना, वेट तो करनी पड़ेगी। और इसकी हालत देखो, ये हर जगह सूंघ रहा है गिफ्ट का। कहाँ पर है गिफ्ट बेटा? एक दिन तो रुक सकते हो, एक दिन तो रुक जाओ बेटा। छोटा सा आया था हमारे घर में, ये 8 साल का हो गया बंदर, अरे इस बंदर से नहीं ढूंढ लिया गिफ्ट, पर मैं खोलने तो दूंगा नहीं। नहीं 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 खोलने नहीं दूंगा, रोक के दिखाओ पहले। लेकिन हरिचंद को जब पता लगे क्या है तो हरिचंद बहुत लाइक करेगा सॉन्ग लगाने वाला।
Yes, Hari is almost right.